साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के अपने YouTube चैनल टीम रिसम मिसम में। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े कुछ विशेष पहलुओं पे, कुछ विशेष बिंदुओं पे हम आपसे बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करेंगे वायरल उत्तर कुंजी ऑर्डर का सच क्या है, उस पर हम बातचीत करें। तो ये जो कल से ऑर्डर जो है वायरल हो रहा है, उस पर हम आपको बता दें कि ये एक एप्लीकेशन की सुनवाई थी किसी की, जिसको जो है आपके मुख्य याचिकाकर्ता, मुख्य स्पेशल अपील नंबर 154/2020 यानी कि हमारी, इसके साथ जो है कनेक्ट कर दिया गया है। तो प्रदेश की जितनी भी याचिकाएं होंगी जो लखनऊ बेंच में हैं, वहां जिनकी सुनवाई होगी, एप्लीकेशन लगाएंगे, वो सब मुख्य याचिकाकर्ता 154/2020 के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, ऋषभ मिश्रा स्पेशल अपील के साथ। अब हम दूसरी बात आपको बता दें कि सीटेट 2020 की नई तिथि, तो जिन साथियों ने अब तक तैयारी की है सीटेट 2020 की, उनके लिए खासा अपडेट है कि सीटेट की परीक्षा जो है वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए तैयारी में आप लोग जुट जाइए, ये परीक्षा जल्द होगी, क्योंकि नीट के परीक्षा के लिए जो कोर्ट में मामला चल रहा था उसका आदेश आ गया, इसलिए परीक्षा जल्द से जल्द होने के चांसेस बन जा रहे हैं। अब बात करें 68,500 शिक्षक भर्ती फिर से कोर्ट में, तो इस पर हम आपको एक खासा अपडेट बता दें कि ये शामली जिले का मामला है। इसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा जिन अभ्यर्थियों ने किया था, वो 68,500 में आवेदन भी किए थे, तो उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गई, वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पाए थे जैसे कि शामली जिले में, तो वो चले गए कोर्ट सालू शर्मा एंड अदर के नाम से। वहाँ पे क्या हुआ कि पंकज फाड़िया साहब के बेंच में ये केस लगा था। तमाम चीज़ों को देखते हुए ये देखा, ये पाया गया कि हर ज़िले में लगभग जहाँ थे ऐसे डिप्लोमाधारी उनको जो नियुक्ति मिल गई, लेकिन शामली ज़िले में नियुक्ति नहीं मिली, तो इस पर जवाब तलब हुआ। अंत में जो है उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा इसके विषय में, शायद भेजा भी गया है। तो ये चौंका देने वाली बात है कि एक ही क्राइटेरिया में स्टूडेंट जो है जॉब कर रहे हैं, फिर उसी क्राइटेरिया के कुछ स्टूडेंट कोर्ट जा रहे हैं, ये चीज़ें जो है जाहिर सी बात है अगर किसी का अहित होगा तो वो कोर्ट जाएगा, और लोग कहते हैं कि बच्चे किस भर्तियों को जो है फंसाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ किसी के साथ अन्याय होगा तो वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो ये मामला उसी का था और कुछ नहीं। अब हम अंत में बात करेंगे उत्तर कुंजी अपडेट पर। देखिए उत्तर कुंजी अपडेट हम आपको बता दें कि जिन साथियों कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उनको हम एक प्रकार से संतुष्टि दे दें कि आपके प्रश्न बराबर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचिए कि इस कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं आपके भविष्य को लेकर के, हम हमेशा कोर्ट में मौजूद हैं, जो भी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही वो किया जा रहा है, और इसमें कोर्ट में हड़ताल भी चल रहा है जिससे सारे कर्मचारी जो है किसी कार्य को करने में थोड़ा सा जो है आनाकानी हो रहा है, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि जब एक समूह बन जाता है माननीय अधिवक्ता महोदय का, तो उस समूह से कोई इतर कुछ नहीं कर सकता, तो फिर भी आपका काम प्रगति पे है, एप्लीकेशन के जो कार्य पे आप लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग लगे हैं, हम लोग हाथ पे हाथ रख करके बैठे नहीं हैं। आपको ये भी बता दें जब प्रदेश की समस्त याचिकाएँ हमारी याचिका के साथ टैग होंगी तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और हम आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह से जैसे कोर्ट में पहुंच गए तो सेल्फी लेके भेज दिया, और ये काम कर रही है तो फोटो खींच के भेज दिया, इस चीज़ों से हम बचते हैं। ये सिंगल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र जो हम लोगों का रहा है, इसमें सोशल मीडिया पे सोशल बाजी बहुत कम किया गया है, ना तो पोस्टबाजी हुई है, ना तो फोटो वायरल हुआ है, आपने कभी कभी इक्का दुक्का फोटो देखा होगा तो देखा होगा, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग अस्वस्थ रहिए, किसी प्रकार से दिमाग में जो है ये मत लाइए कि कुछ नहीं हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, टीम पूरी तरह से लगी है, बस ये है कि उस चीज़ को सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि ये पसंद ही नहीं है, क्योंकि नेतागिरी तो करनी नहीं है, हमें तो बस नंबर चाहिए, जो प्रश्न गलत है उसके जवाब चाहिए, और आपके भविष्य जो है सुरक्षित हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जिनको नेतागिरी करनी है, जिनको पोस्टबाजी करनी है, वो सोशल मीडिया पे आके करते हैं, उनका काम अलग है, लेकिन हमें नहीं करनी, इसलिए हम इस चीज़ से बहुत दूर भागते हैं और हमेशा दूर ही रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी, और एक चीज़ और हम आपको बता दें, बहुत जल्द आपके मामले को सुना जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसी वीडियो में, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।